ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बक्सर जिले में करोड़ों रुपए की बैंक घोटाले का एक मामला सामने आया है। यह मामला सिमरी प्रखंड के आशा पंडरी गांव के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के ग्राहकों से जुड़ा हुआ है। अलग अलग तिथियों को बैंक ग्राहकों के खाते से अवैध तरीके से तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाल ली गई है। इस बात के खुलासा होने के बाद बैंक के खाता धारक बैंक पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। ग्राहकों के अचानक पहुंचकर हंगामा करने से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। खाता धारकों ने बताया कि निश्चित रूप से यह बैंक कर्मियों की मिलीभगत से संभव हो सका है। आपको बताते चले कि दरअसल पिछले दिनों पुराने शाखा प्रबंधक रवि रंजन कुमार का स्थानांतरण अनंतर हो गया। उनके स्थान पर नए प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार ने योगदान दिया है। मंगलवार की सुबह बैंक से कुछ खाता धारक अपने बैंक पासबुक अपडेट कराने के लिए बैंक पहुंचे। खाता अपडेट कराने के बाद बैंक ग्राहकों ने खाते से लाखों रुपए की रकम गायब होने की शिकायत की। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग मौके पर पहुंचकर अपने अपने पासबुक के अपडेट कराने में लग गए। एक एक कर कई ग्राहकों के खातों से लाखों रुपए गायब होने की बात सामने आ गई। बताया जा रहा है कि ग्राहकों की धोखे के रखने के लिए मैनेजर बैंक के प्रिंटर के खराब होने के हवाला देकर बैंक ग्राहकों के पासबुक अपडेट नहीं करता था, जिससे कि यह घोटाला सामने आया ही नहीं। इतना ही नहीं, वह ग्राहकों के मोबाइल नंबर भी उनके खाते से नहीं जोड़ता था ताकि उस पर राज खुल सके। वो महीनों से इस तरह के वहां पहुंचने वाले तकरीबन हर ग्राहक के खाते से कुछ न कुछ रुपए का हेराफेरी करते रहता था। मसलन किसी ने 10,000 रुपए निकाले तो वह 5,000 रुपए के अतिरिक्त निकासी कर लेता था। मामले की जांच चल रही है, जांच हो जाने के बाद पता चल जाएगा कि क्या हुआ। तो अभी तो ग्राहकों को यह भी लग रहा है कि उनका अकाउंट इस बैंक में सुरक्षित है या नहीं है, इसके बारे में सर क्या, क्योंकि अचानक से पैसे गायब होना ये एक बड़ा मामला है। जांच के बाद ही कुछ बताया जाएगा। आपका क्या नाम है, किस पद पे कार्यरत है, किस पद पर? हाँ, ऑफिस सेटिंग ब्रांच मैनेजर। मैं आज बैंक में जब पहुंचा तो मैं अपना खाता चेक करवाया तो खाते में मेरा एक बार 9/11 को 10 लाख रुपया और 8/11 को 1,40,000। जबकि मैं बैंक से कोई अभी लेन देन भी नहीं किया, उस डेट में कोई लेन देन भी नहीं किया। मैं 11 में कोई और अभी तक प्रेजेंट टाइम इस डेट में तो कोई लेन देन नहीं किया। आपको इसकी सूचना कब मिली? इसकी सूचना जब हम बैंक में अपना अकाउंट चेक कराने, पैसा निकासी कराने, तो मुझे सूचना मिला कि आपके बैंक से मैं पैसा ही 62,000 रुपया। कितना राशि था उसमें टोटल? 11,72,062 रुपये टोटल मेरा, इंटरेस्ट लेके मेरा 14 लाख रुपया हो रहा। और अभी सिर्फ 62,000? ओनली फॉर 62,000 रुपया ही है। बैंक के मैनेजर के द्वारा क्या कर? बैंक के मैनेजर चाह जा रहा कि आप अप्लीकेशन दीजिए। अप्लीकेशन करने के बाद वो लोग फॉरवर्डिंग किए कहीं दूसरे जगह और बोले कि ठीक है आप जाइए। आप हमारे किया पैसा ये 10 लाख एक चेक रुपया नहीं ना है, मैं बैठा रहा हूँ, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। तो बोले ठीक है, डीएम से बात करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और इतनी बड़ी रकम इस बैंक से जाते हुए ग्राहकों द्वारा इस पर विश्वास जुट गया, इस बैंक को क्लोज किया जाए। आशा प्रणाली दक्षिण बिहार बैंक को क्लोज किया जाए, ये दूसरे जगह स्थापित किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। कितना पैसा रहे टोटल में? टोटल 1,35,000। अब बैंक के कर्मचारी कुछ कहते रहे लोग? बैंक के कर्मचारी कुछ कहते नहीं, खोलो कुछ बोलते नहीं खोलो। क्या नाम है? मर्सी जी। कितना रुपया गया हुआ आपके अकाउंट से? 3,500,000। 3,500,000 कब हुई है? कल उसी खाता से 50,000 रुपये निकला गया। मैनेजर साहब उसी पासबुक के सामने 3,21,000 रुपये जमा किए। तो आपको 18 से मात्र 50। आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? अभी तुरंत चेक कराए तो। चेक कराए तो बैंक मैनेजर से बात किया आपने? क्या बोला? ये नहीं है। नहीं नहीं कि कोई भी कर्मचारी है? कर्मचारी है। आपका नाम? टुनटुन जाने। बस तू कहाँ लगी कबाई लेके करा लो।
यहाँ पर दो महीने से नौटंकी हो रहा है, दो महीने से जब जब आएंगे पैसे निकालने के लिए बोलेगा लोग आप ऊपर ऊपर कंप्लेंट कीजिए। बताइए सरकारी सर।